मनुष्य के जीवन को सतत बनाए रखने के लिए मानवता के विचार से भी आगे बढ़ना है, जिसमें हमारा दृष्टिकोण यूनिवर्स की जगह पुलिवर्स होगा, जहां ब्रह्मांड के समस्त तत्वों जैसे पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति जलवायु प्राकृतिक पदार्थों आदि के प्रति लव का एंगेजमेंट अथवा कमिटमेंट से परिवर्तित करना होगा। यही तत्व भारत का सांस्कृतिक परंपरा में सम्मोहित रहा है, इसलिए भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यहाँ प्रेम की व्याख्या मानवता के संदर्भ में की गई है, जिससे सृष्टि का प्रत्येक तत्व समाहित है। यही हमारी वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा है, जिसके अंतर्गत जीव जगत और मनुष्य के सही अस्तित्व की भावना पर जोर देना होगा। उक्त वक्तव्य प्रोफेसर विनय कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता एवं पूर्व अध्यक्ष मानव शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 38वें दीक्षांत सप्ताह समारोह के अंतर्गत कला संकाय के समाज शास्त्र विभाग द्वारा लव एंगेजमेंट कमिटमेंट वाई रीड सोशियोलॉजी विषय पर आयोजित व्याख्यान में दिया। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कहा कि समाज शास्त्र समाज को समझाने की चेतना प्रदान करता है। डूइंग सोशियोलॉजी के स्वरूप को आगे बढ़ाकर इसे समाज हित से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को भी विकसित करना होगा। समाज शास्त्र में पूर्व निर्धारित धारणाओं के स्थान पर स्वयं की वास्तविक अवधारणा निर्मित करें, उसका अध्ययन कर तब सामाजिक तत्व का निरूपण करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने की। इस दौरान प्रोफेसर जितेंद्र मिश्रा, प्रोफेसर अजय कुमार गुप्ता, प्रोफेसर नरेश प्रसाद भोक्ता, प्रोफेसर ओपी पांडे, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, प्रोफेसर रविशंकर सिंह, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा, प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर निधि चतुर्वेदी, प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला, प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव, प्रोफेसर कीर्ति पांडे, प्रोफेसर राम प्रकाश, प्रोफेसर संगीता पांडे, प्रोफेसर शिखा सिंह, प्रोफेसर सुमी धुरसिया, प्रोफेसर अंजू सहित अन्य विभिन्न विभागों के शिक्षकों, महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों की प्रभारी उपस्थिति रही। मैं विषय प्रवर्तन आज यहाँ नहीं करना चाहूंगा, सीधे वक्ता को पूरा समय दिया जाए जिससे वो व्याख्यान दे सके। प्रोफेसर राजवंत राव जी, मैं सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा अपने मुख्य वक्ता को प्रोफेसर विनय कुमार श्रीवास्तव जी इस विषय पर। ये एक बड़ी खासियत रही, मैंने हमेशा ही देखा है जहाँ पर भी समाज शास्त्र को बनाया गया वो बात करने में असमर्थ रहते हैं और जो बातें करेंगे वो ऐसी होंगी कि समझ नहीं पाते। इसका एक कारण है, बल्कि मैं कहूँ आपको दो कारण है। एक कारण तो इसका ये है कि समाज शास्त्री ये सोचते हैं, और अगर मैं कटु आलोचना कर रहा हूँ तो अपनी कर रहा हूँ, आप सबकी नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी कर रहा हूँ, तो वो ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं और जिन थियरीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम ही समझते हैं और कोई नहीं समझता। एक ये है कि हम ही जानते हैं, और वो ऐसी जो थियरीज हैं कि उसको समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, अक्सर जो है इसको अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़ों को। और इस संदर्भ में एक बड़े पुराने एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका काम हम समाज शास्त्र में पढ़ते हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। उनका एक था कि सोशियोलॉजिस्ट एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक इस प्रकार के लोग होते हैं जो जो जटिल चीज़ों को समझने के लिए बहुत प्रेम करते हैं और बहुत सीधी सादी भाषा में सरल भाषा में समझते हैं, लेकिन समझने के बाद जब उसको लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर वो जटिलता पे आ जाते हैं। कितना एक कैसी बात है कि पहले जटिल चीज़ों को समझना, एक सरल भाषा में समझना, एक सरलता से समझना, और फिर जब उसको लिखना तो उसको उतना ही जटिल बना देना और इतना ही अनरीडेबल बना देना, लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और जो ठीक नहीं है, जो बातें हैं वो बतानी ज़रूरी है, क्योंकि समाज शास्त्र जिस तथ्यों से संबंध है वो आपके हमारे जीवन से संपर्क करता है। कई दफा क्या होता है कि वो शीर्षक कुछ कहता है और आगे कुछ नहीं करता है, ये मैंने देखा है। बहुत से इस तरह के उदाहरण हैं